इतना डिफरेंस आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा जितने कल्चर्स जितने तरीके के यहाँ पे आर्ट्स हैं तो बहुत चीज़ें हमारे इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर कि इंडिया की आर्ट क्या है इंडिया के कल्चर क्या है क्या क्या आता है ठीक है सो आइए स्टार्ट करते हैं सो so फर्स्ट है हमारा इंडियन आर्ट एंड कल्चर में फ़र्स्ट फॉर्म है डांस ठीक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चर ठीक है हर एक स्टेट का अलग कल्चर है अपना डांस करने का ना आपको पता है हर स्टेट अपने अलग अलग डांस फॉर्म के लिए जाना जाता है आपने देखा होगा ट्वेंटी सिक्स जनवरी या फिफ्टीन अगस्त को जो परेड ग्राउंड में सॉरी हमारे परेड्स होती हैं दिल्ली में वहाँ पे आपने देखा होगा हर स्टेट अपना अपना स्टेट प्रेजेंट कर रिप्रेजेंट करती है उनका डांस फॉर्म कल्चर लेके आते हैं सो so, वही है एक हमारा उसमें एक कल्चर है डांस कल्चर ठीक है डांस इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट ठीक है एक आर्ट मतलब ये एक आर्ट ही है डांस है ना आप सुना होगा ठीक है तो डांस हेरिटेज जो है इंडिया का वो एटलीस्ट फाउ था फाइव थाउजेंड ईयर्स ओल्ड है जो डांस का हेरिटेज है वो फाइव थाउजेंड ईयर पुराना है हमारा तब तो पाँच हजार साल सौ सालों से भी पहले से भी डांस चला हुआ आ रहा है डांस हमारे महाभारत में भी डांस था हमारे रामायण में भी डांस था हर जितने भी हमारे महापुराण है वहाँ डांस का जिक्र कहीं ना कहीं है ठीक है the wall painting of ajanta and एलोरा the sculpture of khajuraho stands ample evidence of पॉप पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन डांस फॉर्म एनशेंट टाइम्स ठीक है तो आपने देखा होगा वॉल पेंटिंग्स अजंता एलोराज में या पुराने पुराने जितने भी हमारे एंशेंट है ना एंशेंट टाइम के जितने हमारे मंदिर हैं सब जगह कहीं ना कहीं आपको डांस करती हुई कोई ना कोई मूर्ति मिल जाएगी सब कुछ कुछ ना कुछ मिलेगा आपको तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर है ये हमारे इंडिया का ठीक है डांस इसी से पहचान होती है कि हाँ डिफरेंट स्टेट डिफरेंट स्टेट का डांस सब सबका अलग है ठीक है नटराजा डांसिंग लॉड सिवा अब आपने लॉर्ड शिवा देखा होगा मतलब सबसे बस, सबसे बड़ा गुरु ही लॉर्ड शिवा को माना जाता है ठीक है हमारे इंडियन कल्चर में डांस है ना भर मतलब तांडव शिव तांडव रुद्र तांडव आपने सुना होगा ठीक है तो इसी वहीं से हमारा बोला जाता है कि वही हमारे सबसे पहले डांस के गुरु गुरु थे ठीक है जहाँ जिन्होंने डांस की उत्पत्ति करी ठीक है तो उनको देखा होगा अपने मेजरली डांस फॉर्म में नटराज की मूर्ति शिव जी एक डांसिंग फॉर्म में होता है उसे नटराज कहते हैं ना मेजरली आपने देखा होगा अपने घरों में देखा होगा या डांस अकेडमीज़ में देखा होगा नटराज हर जगह होता है क्योंकि वही हमारे डांसिंग का स्टार्टिंग था ठीक है लॉर्ड शिवा वर्शिप होती है सो इसमें देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट डांस ठीक है जो एशियन टाइम से चले हुए आ रहे हैं आप आज तो हम डिफ बहुत तरीके के डांस करते हैं पर जो एशियन टाइम के चले हुए आ रहे हैं पुराने जो डांस फॉर्म होकर थे सबसे पहले हमारा आता है भरतनाट्यम ठीक है वो होता है हमारा कौन से स्टेट का स्पेशल डांस है ये है तमिलनाडु ठीक है देन है कथक कथक हमारा होता है उत्तर प्रदेश में देन कथक अलग है और कथकली अलग है ठीक है कथकली अलग है केरला की है और कथक हो गया हमारा उत्तर प्रदेश का कंफ्यूज मत होएगा कथक कली अलग है कथक अलग है देन है हमारा कुचिपुड़ी मणिपुरी मणिपुर का मोहनीअत्तम केरला केरला के कथक कली भी हो गया और मोहनीअत्तम भी हो गया देन ओडिसी ओडिशा का देन सत्रिया हो गया हमारा असम का तो ये डिफरेंट स्टेट के जो पुराने जमाने से चले हुए आ रहे हैं ये कुछ डांस फॉर्म्स है ठीक है सो ये डांस फॉर्म्स अच्छे से आप इनके नाम या देख लीजिएगा कौन से स्टेट का कथक और कथक के लिए मैं कन्फ्यूज मत होना तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं भरतनाट्यम ठीक है भरतनाट्यम में क्या है सबसे पहले इसमें भाव ठीक है देन म्यूजिक देन ताल रिदम देन नाट्य मतलब ये देखो चार वर्ड से बना है ठीक है क्या है सबसे पहले हमारा भाव एक्सप्रेशन राग म्यूजिक ताल रिदम एंड नाट्य कल क्लासिकल थिएटर तो इस चार नाम से बना है हमारा एक भरतनाट्यम ठीक है ये साउथ इंडिया में ऑरिजिनेट हुआ था ठीक है और ये इसमें इसका देख लीजिए आप भरतनाट्यम के लोग ऐसा ड्रेस पहनते हैं ठीक है इसमें बेसिकली कहाँ फोकस होती है हेड हेड की ज्वेलरीज पे फोकस होता है इसका जी नेकललेस है और तो बैंगल्स में इम्पोर्टेंट घुंघरू घुघरू तो मेनली मेजरली डांस फॉर्म्स में इंपॉर्टेंट होते हैं पर भरतनाट्यम में मेजरली घुंघरू इम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कभी कभी ये भी पूछ लेता है ना कि इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट बताओ ज्वेलरी का तो घुघरू भी आ जाता है ठीक है सो नेक्स्ट है हमारे पास कथक ठीक है तो कथक एक स्टोरी टेलर होती है ठीक है तो मतलब कथा में कथक ही देखें कथक कथा है ना कथा मतलब स्टोरी जब आप कथक कोई डांस फॉर्म करते हैं ना उसमें आपको कोई स्टोरी बता रहे होते हैं आप किसी भी कोई गाना बजेगा नॉर्मल नाचना स्टार्ट नहीं कर सकते उसमें एक पर्टिकुलर स्टोरी होनी चाहिए कि यहाँ क्या स्टोरी हो रही है जैसे सपोज दैट कोई दो लड़कियां बात कर रही हैं वो स्टोरी आ जाती है मतलब तो डिफरेंट टाइप फॉर्म्स आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं और कथक हमारा कहाँ का हो गया नॉर्थ इंडिया का कहाँ हो गया यूपी का यूपी में ऑरिजिनेट हुआ था ठीक है भरतनाट्यम साउथ साउथ का है और कथक हो गया हमारा नॉर्थ इंडिया का ठीक है इसमें भी एक्सप्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं डां इंडियन डांस फॉर्म से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं फेशियल एक्शन ठीक है action, इसमें एक्शन अच्छे से अच्छे से उभर के आते हैं ठीक है थीके? तो हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी म्यूज़िक जैसे सितार पे तबले पे किसी पे भी, भी कर सकते हैं ठीक है संतूर इनमें कोई सा भी आप वाद्य यंत्र ले लीजिए उस पर आप कथक कर सकते हैं पर एक, एक एक पर्टिकुलर स्टोरी टेलर होना चाहिए कोई स्टोरी होनी चाहिए इस डांस में ठीक है उसके बाद आगे कथकली कथकली इज ऐरिजिन फ्रॉम केरला स्टेट ठीक है केरला में होती है इसमें बहुत अट्रैक्टिव मेकअप करते हैं देखिए सी देखे होंगे आपने बहुत बार टीवीज वगैरह में है ना कितना तो क्यूट से लग रहे हैं ना तो बहुत अट्रैक्टिव इनका सबसे सब मेन अट्रैक्शन क्या होता है इनका मेकअप ठीक है कैसे अपने फेस को इलाबरेट कर रहे हैं या किस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं ठीक है रेड फेस कलर एक्सेंसली एवल कैरेक्टर्स ठीक है तो जो रेड फेस होता है रेड फेस का जो कलर जो रेड डिफरेंट कलर दिख रहे हैं पे आपको ग्रीन मिल रहा है इनका फेस सब कुछ तो जो रेड कलर होगा वो एविल का होगा ठीक है ग्रीन कलर पीस के लिए वाइट मतलब ऐसे लेते हैं ठीक है डिफरेंट कलर्स लेते हैं और मेजली जो वुमेन्स होती हैं वो येलो कलर लेती हैं कई बार क्या होता है कोई मैन ही वेमेन का प्ले रोल प्ले कर रहा होता है तो इसलिए उसको येलो कलर देते हैं कि आके पता चले कि हाँ ये वेमेन का रोल प्ले कर रही है यहाँ पे ठीक है हमारा कथकली डांस फॉर्म में ये आता है सो so नेक्स्ट है हमारा कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी ओरिजिनेट्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश इट इज़ शेयर मैनी कॉमन एलिमेंट्स विद भरतनाट्यम ठीक है कुचिपुड़ी भरतनाट्यम सिमिलर ही है ठीक है तो ये जो कुचिपुड़ी होता है वो भरतनाट्यम से इंस्पायर्ड है ठीक है तो जो भरतनाट्यम जिस फॉर्म में था कुचिपुड़ी भी सेम होता है इसमें भी मेजरली ऑर्नामेंट्स फीमेल के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं ज्वेलरी होती है उसमें फोकस करते हैं फ्लावर्स के ऑर्नामेंट्स नेकलाइंस नेकलेसिस बहुत मतलब अच्छे से वो इन्हांस होते हैं इसमें ज्वेलरी पे मेन फोकस होता है ठीक है एक यूनिक फॉर्म है एक यूनिक डांस फॉर्म है ठीक है कुचिपुड़ी भी ठीक अब घूमर घूमर कहाँ होता है घूमर होता है हमारा राजस्थान में तो इसमें क्या होता है जो राजस्थानी महिला होती है मतलब जो वुमेन्स होती हैं वो बहुत बड़ा सा घाघरा पहनती हैं ठीक है थीके? वो बहुत फैलता है इसलिए इसको घूमर कहते हैं ठीक है घाघरे का घूमना है इसलिए इसका नाम घूमर कहते हैं तो और जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं और... राजस्थान के मेजरली वहाँ पे डांस परफॉर्मेंस किसकी होती है घूमर की ही होती है ठीक है ये किसी भी एज ग्रुप की जो वुमेन्स होती हैं कर सकती हैं घूमर सब लोग ही करते हैं इंजॉय करते हैं डांस तो कोई डांस पर्टिकुलर एज ग्रुप का तो नहीं होता चाहे वो यंग हो चाहे ओल्ड हो सब डांस ये डांस कर सकते हैं तो घूमर भी इसी टाइप का डांस है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास बीहू बीहू कहाँ होता है बीहू होता है असम में ठीक है तो बीहू बेसिकली ये तब कब सेलिब्रेट करती है एक तरीके ये उनका फेस्टिवल भी है हाँ बिहू उनका फेस्टिवल भी है बिहू एक डांस फॉर्म तो है साथ साथ उनका फेस्टिवल भी है तो ये कब सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर ठीक है असमीज न्यू ईयर अराइवल ऑन स्प्रिंग जब स्प्रिंग आता है तो वो असमीज़ का न्यू ईयर न्यू ईयर भी होता है ठीक है तो ये बिहू डांस तब करते हैं और अपना बिहू फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं सो so, बिहू फेस्टिवल भी है और बिहू डांस फॉर्म भी है ठीक है ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है देन है डांडिया रास ठीक है डांडिया रास कहाँ खेला जाता है गुजरात में ठीक है तो गुजरात में डांडिया खेलते हैं ठीक है तो डांडिया खेलते हैं और ये फेस्टिवल कहाँ कब खेला जा कौन से फेस्टिवल में खेला जाता है डांडिया नवरात्रे में ठीक है जब नवरात्रा होता है ना आपको पता है नवरात्रे है, फिर दशहरा आता है नौ देवी की पूजा की जाती है इंडिया का कल्चर है ये भी कल्चर ये भी आर्ट एंड कल्चर में ही आता है जितने भी आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करें सब जगह किसी ना किसी का कोई ना किसी ना किसी के पीछे कोई ना कोई रीज़न है हमारा साइंटिफिक रीज़न भी है इस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का और जो हमारे पुराने समय से चला हुआ आ रहा है वो रीजंस तो हैं ही दिवाली क्यों मनाए जाते हैं राम भगवान वापस आए थे रावण का होलिका क्यों मनाया जाता है होलिका होलिका का, का दहन हुआ था होली तो सबके पीछे कोई ना कोई रीज़न है इंडियन फेस्टिवल्स के पीछे ठीक है ना आपको पता है सो so, हमारा नेक्स्ट है अब हमारा आर्ट एंड कल्चर में नेक्स्ट आता है म्यूज़िक ऑफ इंडिया ठीक है तो अभी तक अभी हमने डांस फॉर्म पढ़ा अब हम पढ़ेंगे म्यूज़िक फॉर्म तो म्यूजिक क्या है म्यूजिक वेराइटीज़ क्या है फोक म्यूजिक होता है पॉपुलर म्यूजिक होता है पॉप म्यूजिक होता है क्लासिकल म्यूजिक होता है क्लासिकल म्यूजिक तो आप क्लासिकल डांस फॉर्म में कर सकते हैं पॉप म्यूजिक जो आजकल कल सिनेमा में यूज होता है ठीक है फोक भी एज अ पर्टिकुलर स्टेट का अपना एक सॉन्ग होता है फोक उसको ऐसे लेते हैं ठीक है सो so ये है हमारे म्यूजिक ऑफ इंडिया ठीक है क्लासिकल ये इस टाइप की म्यूजिक हो गए ठीक है इन्हें इन्हें हम किस पे बजाते हैं तबला बजाते हैं वीणा बजाते हैं हारमोनियम बजाते हैं ठीक है ढोलक बजाते हैं सो इन सब से मिलके हमारा म्यूज़िक ऑफ इंडिया बना है ठीक है सो इसमें सबसे पहले आता है हमारा उत्तराखंडी फोक ठीक है जो लोग उत्तराखंड से उन्होंने पता होगा उत्तराखंडी फोक भी होता है इसमें गढ़वाल और कुमाऊं दो रीज़न है तो दोनों का मेजरली अपना अलग अलग ही आ, मेजरली भाषा तो अलग होती है लेकिन जो इनके फोक म्यूज़िक होता है काफ़ी हद तक तो सिमिलर तो उत्तराखंडी फोक इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इसमें हमारी क्या क्या आते हैं ढोल दमो ठीक है सुना होगा बच्चों ने काफी बार ठीक है तुर्री रन सिंघा ढोलकी दारू थाली बंकोरा एंड बाजा या मसक बीन सुना होगा मसक बीन सुना होगा आपने ठीक है बाजा या मसक बीन कुछ भी बोल लो ठीक है तबला हारमोनियम भी इसमें यूज होते हैं ठीक है और इसको मेजरली दो लैंग्वेजेस में हमारे उत्तराखंडी फोक्स गाए जाते हैं गढ़वाली लैंग्वेज का गाया जाता है और एक कुमावरी लैंग्वेज का गाया जाता है और उत्तराखंडी फोक जितना भी मेजरली पता नेचर से रिलेटेड होता है ठीक है तो जो हम नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंडी फोक्स में नेचर ही आता है पहाड़ दिख रहे होंगे पता तो ये एक तरीके से नेचर को रिप्रेजेंट करता है डेडिकेट करता है ठीक है उत्तराखंडी फोक जो सॉन्ग्स हैं नेक्स्ट है हमारा लावनी लावनी हमारा कहाँ का है महाराष्ट्र का ठीक है लावनी एक डांस फॉर्म भी है एक सॉन्ग भी है ठीक है सॉन्ग सॉन्ग फॉर्म में लाव लावनी रहता था तो एक लावनी जो गाना था उसमें इसका लावनी डांस फॉर्म भी होता है ठीक है महाराष्ट्रियन डांस फॉर्म है ठीक है ये एक नोन एज तमाशा ठीक है लावनी इज़ नॉन एज तमाशा सो तमाशा तो जिसमें हरकतें होती हैं मतलब थोड़ा वो मतलब क्या बोल सकते हैं हम आपको तमाशा टाइप का होता है बहुत ही सुंदर डांस फॉर्म है महाराष्ट्र लोगों का वो काफ़ी इंजॉय करते हैं और बहुत हार्ड भी होता है लावनी इजी से कोई इजीली कोई नहीं सीख सकता लावनी डांस फॉर्म काफी हार्ड हार्ड डांस फॉर्म होता है इसलिए लोग ज़्यादा नहीं करते एक्सप्रेशन होता है चेंज करने तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है इसमें ठीक है और इसमें क्या होता है फीमेल फीमेल मेल सब गाते हैं लावनी डांस फॉर्म क्रिएट करते हैं लावनी का ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास राजस्थानी डांस राजस्थानी गाना ठीक है तो राजस्थानी कल्चर का जो कलेक्शन है उसमें म्यूजिकल क्या होता है म्यूजिकल के साथ साथ क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है इसमें इंक्लूडिंग लहंगाज ठीक है लंगा सपेरा भोपा जोगी मंगनियार ये सारी चीज़ें इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं राजस्थानी फोक्स के ठीक है ये इसमें इनकी हेल्प से राजस्थानी फोक्स माइंड किया जाता है ये गाया जाता है ठीक है इसका कीजिएगा देन अब अब आते हैं हम इसके इंडियन आर्किटेक्चर ठीक है हम सबसे पहले हम आते हैं इसमें अब आर्किटेक्चर भी आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनी तो सब इंडियन आर्किटेक्चर में आते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंदुस वैली सिविलाइजेशन ठीक है ऑन इंदस रिवर बैंक ये जो इंदस रिवर है हमारी उसके बैंक में हमें इंदुस वैली सिविलाइजेशन मिला था ठीक है वेल्ट सिटीज़ फॉर सिक्योरिटीज़ ठीक है मतलब यहाँ यहाँ पे सिक्योरिटीज़ मतलब उस टाइम पे सिक्योरिटी का एक देखा जाता है यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ठीक है रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न ऑफ लेआउट विद रोड्स कटिंग है तब उस टाइम जी आप देख रहे हो ना इसका कितना पर्टिकुलर देख रहे हो लेआउट कितना अच्छा सा ऐसा लग रहा है किसी आर्किटेक्चर ने बहुत अच्छे से बनाया होगा लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है ठीक तो है तो इसलिए देखते हैं इसलिए इंडिया का आर्किटेक्चर भी ना बहुत काफ़ी अच्छा माना गया इंडिया के आर्किटेक्चर को उस टाइम पे लोग देखिए कितने नीट एंड क्लीन साफ तरीके से कितना पर्टिकुलर लेआउट बनाया हुआ है आने जाने का ठीक है बाथिंग प्लेस अलग होते थे यहाँ पे ठीक है सो हर चीज का अलग अलग लेआउट था इनका और इसका इस जो वैली थी ठीक है पहले मैंने आपको बताया इंदुस रिवर बैंक क्योंकि रिवर बैंक इसलिए ज़्यादातर जितने भी आपने सिविल वैली सिविलाइजेशन देखे होंगे वो तो सब रिवर बैंक में इसलिए थे क्योंकि पानी की जरूरत होती थी ठीक है सर लेकिन जो ये इंदुस वैली सिविलाइजेशन था उसमें हमें टेम्पल्स का कोई एविडेंस नहीं मिला था ठीक है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे देखिए नो एविडेंस ऑफ टेम्पल्स ठीक है और जितने भी यहाँ पर इंदस वैली में हमें घर सही सलामत में हमें आर्क, हमारे आर्किटेक्चर्स को मिले हैं वो लेकिन उनमें प्राइवेट वॉल्स थी प्राइवेट वॉ बाथरूम्स थे तो उस टाइम से मतलब ये सब चीज़ें डिफरें, डिफरेंट डिफरेंट थी ठीक है सो तो ये हमारी आगे गई इंदस वैली सिविलाइजेशन तो अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है तो इससे रिलेटेड हमारी हमारे चैनल पे वीडियो है इन इं, इंदस वैली सिविलाइजेशन पर आप वहाँ से इसके लिए और डिटेल स्टडीज स्टडीज़ का कर सकते हैं ठीक है सो अब हमारे स्टूप्स आते हैं ठीक है तो स्टूप्स क्या होते हैं हेमिसपेरिकल हेमिसपेरिकल हाफ गोला ठीक है ये दिख रहा है ना हेमिसपेरिकल ये बना रहा है हेमिसपेरिकल ठीक है हेमिसपेरिकल शेप ठीक है मैथ्स में पढ़ा होगा आपने हेमिसपेरिकल ठीक है और बेस इसका लो बेस आता है ठीक है तो इसको इनको स्तूप बोलते हैं स्तूप्स बोलते थे ठीक है ये भी आर्किटेक्चर में आते हैं हाँ तो आप देखेंगे स्तूप सो so, पहला है हमारा सांची का स्तूप सांची स्तूप हेमस्पेरिकल शेप विद लो बेस सिंबलाइज द कंज्यूमिंग माउंटेन्स ठीक है तो ये जो माउंटेन्स का शेप कंज्यूम कर रहा है ठीक है आप देख रहे होंगे क्लियर पिक आपको दिख रही हो हो होगी यहाँ पे ये हेमिसपेरिकल बना रहा है ठीक है तो ये है हमारे स्तूप फर्स्ट हमारा सांची का स्तूप पड़ा होगा आपने इसके बारे में जीके जीएस में कई बार आता है सांची के स्तूप के बारे में सो नेक्स्ट है हमारे पास अमरावती स्तूप ठीक है ये सेकेंड और फर्स्ट सेंचुरी सेंचुरी बी सी बिफोर क्राइस्ट था ठीक है सो सांची के स्तूप की तरह ही है ये भी हाँ अमरावती का स्तूप बस इसका थोड़ा बेस अलग है इनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है बट आगे ऊपर से हेमस्पेरिकल सारे मिलेंगे इन इनको स्तूप की कैटेगरी में रखा गया ठीक है थीके? फिर आता है हमारा गांधारा स्तूप ठीक है फर्दर डेवलपमेंट ऑफ स्तूप एट सांची एंड बहुत्रा ठीक है द बेस डोम एंड द दर डोम स्कल्प स्कल्पलेट ठीक है स्कल्पलेट तो ये जो बेस है इसका यहाँ पे इसका बेस आ गया हेमिसल टाइप में ठीक so, है ना सो ये डिफरेंट टाइप के स्तूप हैं अलग अलग इनका स्ट्रक्चर होता है ठीक है ये सन सन के सिंबल को दिखाता है ठीक है इसमें जो गांधार का स्तूप है ये एज अ सन सिंबल भी इमर्ज करता है दिखाता है तो so, नेक्स्ट है हमारा आर्किटेक्चर में द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ठीक है तो तुम तो मथुरा मथुरा होली सिटीज रही है हमारी वन टू थ्री ए डी में ठीक है ये तो मथुरा वृंदावन आपको पता होगा श्री कृष्ण जी से रिलेटेड है है ना तो मथुरा आर्ट उस टाइम पे भी जो ये था ये आर्ट था ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट था ना इसका अपना एक अलग महत्व है ठीक है तो जो बुद्ध बुद्धा जी थे उनकी फर्स्ट इमेज दो जो यहाँ का कनिष्ठ रीज़न है वहाँ पे मिली है ठीक है और जो यहाँ की जो फिगर्स हैं जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में जो हमें वो मोन्यूमेंट्स मिले हैं या जो हमें इनके स्ट्रक्चर्स मिले हैं वहाँ पे वो जो फिगर्स हैं उन पर ना मूस टैक्स है ना बीर्स अच्छा, है तो हम उनमें ऐसे हमें नहीं बता सकते कौन मेल है एंड कौन फीमेल है कौन मेन है कौन फीमेन है ठीक है सो ये थोड़ा इसमें ये चीज़ इसकी अलग थी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स की ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास मुगल आर्किटेक्चर ठीक है मुगल आर्किटेक्चर आपको पता है कि इंडिया में मुगलों ने बहुत टाइम तक राज किया है ना काफ़ी सारे तो इंडिया में मुगलों ने बहुत सारे मोन्यूमेंट्स भी बनाए हैं लाइक ताजमहल बनाया ताज है है ना मुगल गार्डन हो गया मतलब तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं मुगलों ने तो उसी ये भी एक इंडिया का आर्किटेक्चर में ही आता है मुगल तो इसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे मुगल गार्डन ठीक है मुगल गार्डन इज द गार्डन्स ऑफ ग्रुप ऑफ गार्डन बिल्ड बाय द मुगल्स इन द इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर तो इसमें इस्लामिक स्टाइल ऑफ़ आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है ठीक है इस्लामिक स्टाइल ऑफ़ आर्किटेक्चर में क्या होता था ना देखिए मैं आपको बताती हूँ समझाती हूँ अच्छे से इसमें क्या होता था जैसे यहाँ पे ये थोड़ा सा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया फिर थोड़ी सी एरिया में जाके फिर यहाँ पे बन गया मतलब आपने देखा कई बार क्या होता है ज़्यादातर जगह एक साथ ही काफ़ी तरीके के फ्लावर होते तो इसमें क्या होता था एक पर्टिकुलर फ्लावर है फिर पर्टिकुलर मिक्स नहीं है कहीं पे भी ठीक है पर्टिकुलर पर्टिकुलर ज़्यादातर ये चीज़ें पर्टिकुलर तो इसको इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं ठीक है द स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई प्रिजन गार्डन एंड तिमरूट गार्डन ठीक है तो वहाँ से यहाँ ये यह जो मुगल गार्डन है उसका स्टाइल कोई स्टाइल इनका इन्फ्लुएंस हुआ था ठीक है तो इसके लाइक और भी फेमस गार्डन्स हैं जैसे चारबाग गार्डन्स हो गए हमारे चारबाग गार्डन्स हो गए हमारा ताजमहल के पास है फिर शालीमार गार्डन्स लाहौर में हो गया जेली एंड कश्मीर एज वेल एज़ पिंजोर गार्डन डेली एंड कश्मीर में भी काफ़ी सारे गार्डन्स हैं जो मुगलों ने बनाए हैं जो मुग़ल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं तो मुग़ल आर्किटेक्चर भी हमारा किस में आता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर में अभी हमें समझना कि हम तो इंडियन आर्ट कल्चर पढ़ रहे हैं तो मुग़ल नहीं मुग़ल का भी हमारे इंडियन आर्ट एंड कल्चर में बहुत बड़ा हाथ रहा है बहुत सारे मोन्यूमेंट्स मुग़लों ने बनाए हैं ठीक है ठीके? तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सो so नेक्स्ट हमारा मुगल आर्किटेक्चर में आता है रेड फोर्ट रेड फोर्ट हमारा लाल किला शाहजहां ने बनवाया था जो हमारा आगरा और दिल्ली रीजन में आता है ठीक है सो एक बार आप जरूर जाइएगा मॉन्यूमेंट यहाँ पे घूमने के लिए बहुत एलिगेंट मॉन्यूमेंट है ये ठीक है सो ये हमारा बनवाया था शाहजहां में ये भी मुगल आर्किटेक्चर में है और ये भी इंडियन आर्ट एंड कल्चर में आता है हमारा रेड फोर्ट नेक्स्ट है हमारा टेम्पल आर्टिक आर्किटेक्चर ठीक है सो टेम्पल आर्किटेक्चर जो है हमारा तो इसमें क्या जो डिफरेंट हिंदूज टेम्पल है ना बहुत सारे अपने टेम्पल्स देखे होंगे ठीक है so, सो ये हमारे आते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर में ये भी आर्ट एंड कल्चर में ही आता है हमारा ठीक है सो इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं ठीक है तो क्या होता है पुराने जमाने में ना विश्वकर्मा जी ठीक है मैं मेजली आपने सुना होगा कई बार हम इन्होंने जो काफ़ी सारे जो हमारे टेम्पल्स हैं जो पुराने हमारे शहर में तो मेरे विश्वकर्मा बोलते थे ठीक है तो वो बनाते थे तो काफ़ी हद तक बोलते हैं कि जो हमारे टेम्पल का आर्किटेक्चर है वो उनसे इंस्पायर्ड है ठीक है so, सो उनका जो शेप होता है ये स्लिप्स होते हैं ये सारा कुछ कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होता है बहुत एज अ इसको एक मॉन्यू आप ले सकते एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है ठीक है एक कई बार आपने सुना होगा कि एक ही पत्थर से मंदिर बना है सो तो ये सब चीज़ें एक उस टाइम पे मतलब अभी की अभी तो कोई नहीं बना सकता अभी हमारे पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स होने के बावजूद भी हम वो आर्ट नहीं क्रिएट कर सकते जो आर्ट हमारी पहले क्रिएट हो चुकी है ठीक है so, सो उनमें से टेम्पल आर्किटेक्च भी एक ऐसा आर्ट है जिसको अब हम जिस वे में वो पहले बने थे अब नहीं बनते हैं ठीक है स्मॉल हिंदू टेम्पल कंसिस्ट ऑफ एन इनर स्नेक्टम द ग्रैब ग चैम्बर्स मतलब अलग अलग चैम्बर्स बने होते हैं मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चैम्बर्स होंगे कहीं पे वॉम होगा कहीं पे ग्रह होगा कहीं पे गर्भ होगा वॉम आपको पता है मद मतलब, मतलब जब छोटा बेबी अपने मदर के पेट में होता है तो उसको वॉम कहते हैं ना तो इसी तरीके से हमारे कई कई मंदिरों में भी दिखाए मंदिरों में भी दिखाया गया है ठीक है गर्भगृह बोलते हैं है ना पोर्च होता है है ना फ्लावर गार्डन्स होते हैं तो अलग अलग चीज़ें हमारे यहाँ टेम्पल आर्किटेक्चर में देखने के लिए मिलती हैं सो so नेक्स्ट है हमारे पास नगर आर्किटेक्चर तो नगर टेम्पल्स में नगर टेम्पल होते हैं इनके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं ठीक है थीके? तो ये क्या करते हैं हम इनको जो इनके शिकर होते हैं ये धीरे धीरे करके मतलब पहले बेस होगा फिर स्ट्रॉन्ग ठीक है फिर उसके टॉप फ्लोर पर जाता है देन उसके बाद इनमें वर्टिकल स्लाइंस बनी हुई है ठीक है वर्टिकल लाइन जैसे आपको इसे स्ट्रक्चर में दिख रहे होंगे ऐसे वर्टिकल लाइन बनी हुई ना ये तो इनकी ये स्पेशलिटीज़ होती है नगर आर्किटेक्चर की इसमें जो इनके जो टेम्पल्स हैं वो वर्टिकल स्ट्रेट में है ठीक है तो हम इसका एक बेसिकली एग्ज़ाम्पल देखेंगे आप गूगल पे ये पिक सर्च कर सकते हैं कंडारिया महादेव टेम्पल ठीक है और बताना ये कहाँ पर है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा ये कौन से स्टेट, स्टेट में है इंडिया के कौन से स्टेट में है ठीक है तो ये हमारा हो गया नगर टेम्पल नगर टेम्पल आर्किटेक्चर सो so नेक्स्ट हमारे पास है ड्रविन ड्रविन आर्किटेक्चर ठीक है तो ड्रविन जो आर्किटेक्चर था ये चार पार्ट्स को फॉलो करता था ठीक है ये हमेशा स्क्वायर शेप में होता था है स्क्वायर इन प्लेन ठीक है उसके बाद फिर पिरामिडिकल शेप बनाता था पहले ये नीचे स्क्वायर बनेगा ठीक है लाइक दिस एक पहले के स्क्वायर बना हुआ है देन पिरामिड बना है इसके ऊपर पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बना है ठीक है तो ये जो द्रवण था इसका आर्किटेक्चर की स्पेशलिटीज थी ठीक है तो नेक्स्ट आर्किटेक्चर स्टाइल में आता है गाडाग आर्किटेक्चर स्टाइल ठीक है ये वेस्टर्न वेस्टर्न चालुक्य आर्किटेक्चर भी इसे कहते हैं ठीक वेस्ट है वेस्टर्न चालुक्य ठीक है ये इसको वन फिफ्टी ईयर वन फिफ्टी ईयर सोरेस्ट है ठीक है ये इस कैटेगरी में जो गंडा आर्किटेक्चर में इसमें कम से कम पचास टेम्पल बिल्ड हुए हैं ठीक है सम एग्ज़ाम्पल्स इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे सरस्वती टेम्पल इन द तिरुकुटेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट गंडाक द दो दोस्पार टेम्पल एंड दम्बल ठीक है ये कुछ इस, इस कैटेगरी का एग्जाम्पल है गडा आर्किटेक्चर स्टाइल्स के ठीक है सरस्वती टेम्पल हो गया हमारा त्रिकेश्वर टेम्पल हो गया काशी विश्वरा का टेम्पल हो गया सो ये सारे जो टेम्पल हैं ये इस आर्किटेक्चर फॉर्म में बनाए गए थे ठीक है सो तो हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास केव आर्किटेक्चर्स ठीक है फिर केव्स भी देखी होंगी आपने बहुत सारी केव्स के बारे बारे में सुना होगा जैसे अजंता एलोरास की केव बहुत सारी है ना सो उसी में एक हमारी केव आती है अजंता केव्स ठीक है तो ये हमारी आती है कहा लो, लोकेटेड है हमारी औरंगाबाद में ठीक है औरंगाबाद में हमारी अजंता और एलोरास केव केव्स हैं ठीक है तो अजंता केव आता है इसमें ठीक है ये ये डिस्कवर्ड हुई थी 1819 में 1819 में जब कोई ऑफिसर ब्रिटिश ऑफिसर हॉन्टिंग के लिए गया था ठीक है टाइगर की हॉन्टिंग के लिए जब जा रहा था तो उसको ये केव्स दिखी थी तो उसने उनको डिस्कवर्ड किया फिर इनके बारे में पता चला फिर पढ़ते गए फिर इनका पता चला कि हाँ हमारे केव्स के अंदर भी बाहर तो बहुत सारा इंडियन आर्किटेक्चर से प्ले बना ही है है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप आपको देखने के लिए मिलेंगे उन्होंने बाहर तो देखा हमारे पास टेम्पल्स हैं तो इस तरीके से इन केव्स की खोज हुई थी ठीक है तो ये भी एक बहुत डिफरेंट आर्किटेक्चर फॉर्म फॉर्म्स हुआ करता था ठीक है? है, है तो जो ये हैं ये टू फेजेस में कंस्ट्रक्ट हुई थी फर्स्ट ग्रुप अराउंड 200 हंड्रेड बी सी एंड सेकेंड ग्रुप अराउंड सिक्स हंड्रेड डिस्पाइट अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ द बुद्धा ठीक है तो बुद्धाज भी इस इनमें काफी इनकी झलक देखने के लिए मिलती है ना है, है, मतलब है ना आपने कई बार देखा होगा जो बुद्धिज्म के टेम्पल होते हैं उसमें इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं मतलब जो घुमाते हैं ना देखा होगा आपने गए होंगे आप So kind of उसी का हाँ पे ये आ, हमें मिले थे अजंता केव्स में ठीक है सो so नेक्स्ट है हमारा इसमें एलोरा केव्स ठीक है तो एलोरा केव्स हमारी कहाँ पर है औरंगाबाद सिटी में ठीक है ये भी औरंगाबाद में आती है जैसे अजंता भी हमारी औरंगाबाद में है ना तो एलोरा भी हमारी औरंगाबाद में ठीक है सो so, अजंता में हमने क्या देखा हो वहाँ पर वो मेजरली बुद्धिज्म को प्रेजेंट कर रहे थे लेकिन जो एलोरा के केव्स हैं वहाँ पर हमारे थ्री मेजर मेजर रिलीजन ऑफ इंडिया जो है हमारा हिंदुज़्म बौद्धिज़्म एंड जैनिज़्म ये तीन रिलीजन्स को प्रेजेंट करती है ठीक है बुद्धिस्ट केव बिल्ड अराउंड फिफ्टी फिफ्थ एंड सेवन सेंचुरी एडी केव टेन फेमस नोन तो एज चैप्टर्स केव और विश्वकर्मा केव विद थ्री पॉइंट थ्री मिलीमीटर हाई सीटेड बुद्धा एट द फ्रंट ठीक है तो विश्वकर्मा केव के लाइक ही तो मतलब जैसे जो बुद्धिज्म का यहाँ पे थ्री पॉइंट थ्री मीटर हाइट के बुद्धा जी रखे गए हैं थ्री पॉइंट थ्री मीटर जिसकी हाइट है ठीक है सो so, और जो ये इस जो एलोरा के केव्स हैं यहाँ पर हमें इलेवन इमेजेस ऑफ दुर्गा एंड गणेशा आल्सो बुद्धा श्रीन बिलीव इज इन हिंदू टेम्पल आफ्टर बींग डिजर्ट बाई डिस्टर्ड बाई बुद्धिस्ट ठीक है सो so, यहाँ पे क्या मिली है हमें दुर्गा की फोटोज़ भी मिली हैं गणेश जी की फ़ोटोज़ भी मिली हैं ठीक है थीके? देन उसके बाद बुद्धा की भी बुद्धा जी की भी मिली हुई है सो so, ये क्या था टेम्पल पहले क्या हिंदू टेम्पल रहा होगा उसके बाद जब हमारा बौद्धिज्म आया होगा तो वहाँ पे थोड़ा बौद्धिज्म को भी इससे कनेक्ट किया गया था ठीक है so, सो एलोरा में हमारे मेजरली थ्री डिविजन्स देखने के लिए मिलते हैं ठीक है देन हमारे पास नेक्स्ट है एलिफेंट केव्स ठीक है तो एलिफेंट केव्स कहाँ पर लोकेटेड है हमारी एलिफेंट आइलैंड में जो हमारा मुंब... जो बॉम्बे है मुंबई वहाँ के उसके पास है ठीक है द आइलैंड लोकेटेड ऑन एन आर्म ऑफ द अरेबियन सी अरेबियन सी से काफ़ी ले मतलब काफ़ी पास है अरबिन सी में जो इसके आइलैंड है एलिफेंट आइलैंड वहाँ पर है ठीक है सो ये टू कैटेगरीज़ में यहाँ पे जो केव्स हैं वो हमें टू ग्रुप्स में दिखती हैं ठीक है थीके? तो फर्स्ट लार्ज ग्रुप जो पहला जो बड़ा ग्रुप है जिसमें फाइव हिंदू केव है ठीक है उसमें फाइव हमारे फाइव हिंदू केव ठीक है किसमें हमारे एलिफेंट केवज में जो बड़ा मेजर लार्ज ग्रुप है ठीक है उसमें फाइव हिंदू है देन जो स्मॉलर ग्रुप केव है उसमें टू बुद्धिस्ट केव है ठीक है टू बुद्धिस्ट केव आती हैं तो जो एलिफेंट केव्स हैं वो दो कैटेगरीज में ठीक है दो कैटेगरीज कौन कौन सी है हमारी फर्स्ट है लार्ज ग्रुप जिसमें फाइव हिंदू केव्स हैं और देन है सेकेंड बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट केव ठीक है तो और ये लगभग फिफ फिफ्थ टू तो एट सेंचुरीज़ के बीच आसपास इस पर बढ़नी होगी ठीक है और इसने और एलिफेंट केव्स को जो यूनेस्को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज भी अनाउंस किया था नाइनटीन एटी सेवन में ठीक है इसकी देखभाल करने के लिए ठीक है और ये एलिफेंट केव्स की देखभाल कौन करता है इंडिया में मेनटेन बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे मेजरली सारी जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं जितने भी हमारे आर्किटेक्चर ओल्ड आर्किटेक्चर सबको संभालती है मतलब सबकी देख रेख करती है ठीक है सबको मेनटेन करती है सो so, इसमें हमारा नेक्स्ट आता है भीम बटेगा केव्स ठीक है तो भीम बटेगा केव्स हमारी कहाँ है मध्य प्रदेश में कहाँ लोकेटेड है हमारी मध्य प्रदेश में भीम बटेगा ठीक है सो so, इसको फर्स्ट रेफर आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में ये कम आ रही थी 1888 एट्टी में आई थी उसके बाद जो डॉक्टर विष्णु वानक थे उन्होंने इसके कुछ 700 हंड्रेड सेल्टर्स और डिस्कवर करे थे 1557 फिफ्टी सेवन और के बीच ठीक है आर्कियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर विष्णु वाराकर ठीक है यहाँ पे नाम लिख लिखा हुआ है उनका ठीक है तो so, उन्होंने 1957-58 के आसपास 700 सेल्टर्स बनाए थे जिस सॉरी बनाए नहीं थे ढूंढे थे ठीक है जिसमें हमारा क्या था एक फर्स्ट हमारा आया भीम बटे का ग्रुप जिसमें 243 हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री सेल्टर्स थे देन लाखा जुआर ग्रुप जिसमें हमारे वन हंड्रेड एंड सेवेंटी एट सेल्टर्स थे ठीक है समझ आ गया आपको और कुछ अदर्स भी होंगे लेकिन इसमें मेजरली इंपॉर्टेंट क्या है हमारा भीम बटे का ग्रुप और लाखा ज्वार ग्रुप ठीक है उसके बाद जो इस टाइप की भीम बट्टे का जो केव्स थी वहां पे रॉक पेंटिंग्स भी देखने के लिए मिली ठीक है जो करीबन तीस हज़ार साल पुरानी थी थर्टी थाउजेंड ईयर्स पुरानी थी रॉक पेंटिंग जो स्टोन से ऐसे ऐसे कुछ पेंट किया होगा ये दिख रहा है आपको यहाँ आप पे स्ट्रक्चर काइंड ऑफ ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो ये रॉक है ठीक है रॉक है उस पर कलरफुल जैसे रेड रेड स्टोन से पेंट किया तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग ये थर्टी थाउजेंड ईयर ओल्ड थी ठीक है सो so, और हमारा इंडियन आर्ट एंड कल्चर में हमारे डिफरेंट रिलीजन्स भी आते हैं ठीक है तो डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड हमारी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुकी है तो आप जो हमारे रिलीजन है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं सो so, आज की वीडियो में इतना ही दैट्स इट फॉर टूडेज़ क्लास अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल थैंक यू